बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत यूज़फुल वीडियो लेकर आया हूँ जो कि ऑटो कैड के मुतालिक है, ऑटो कैड के डेटा एक्सट्रैक्शन के मुतालिक है। अगर आप कोई DX फाइल या आप देख रहे हैं DXF फाइल है आपके पास, ट्रांसलेशन की इंस्ट्रूमेंट की डाउनलोड वो आपकी फाइल है, आपने इसका डेटा कैसे एक्सेल के अंदर इधर से डायरेक्ट ऑटो कैड के ऊपर से कन्वर्ट करना है। इसी तरीके सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास कोई टॉपो का डेटा बना हुआ है XYZ, उसकी फाइल है, डिस्क्रिप्शन वगैरह है उसके, उसका आपने कैसे करना है डिस्क्रिप्शन के साथ। और आपके पास कोई टॉपो का प्लान बना हुआ है जिसके अंदर लाइन्स वगैरह सारा कुछ लगी हुई है, तो इनके पॉइंट्स का डेटा आपने कैसे एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बहुत यूजफुल वीडियो है, मेरी वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अभी आप ये देख रहे हैं, ये हमारे पास सेकंड नंबर के ऊपर CSV फाइल का डेटा इंपोर्ट हुआ है जिसके अंदर पॉइंट नंबर है, उसके एलिवेशन है और डिस्क्रिप्शन वगैरह रखा हुआ है। तो आपने इस फाइल को कैसे एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करना है डायरेक्ट ऑटो कैड के अंदर से, तो आपने जैसे सबसे पहले इंसर्ट वाले कॉलम के ऊपर आ जाना है और जैसे आपने लास्ट के ऊपर आ जाना है एक्सट्रैक्ट डेटा, ये आप नज़र आ रहा है। आपने जैसे इंसर्ट वाले कॉलम को पर आने के बाद एक्सट्रैक्ट डेटा को आपने क्लिक करना है, तो डेटा एक्सट्रैक्शन बिंग पेज 1 of 8 आपके सामने इधर ओपन हो जाएगा, इसकी डिटेल आ रही है। सबसे पहले क्रिएट ए न्यू डेटा एक्सट्रैक्शन, ये आपने इसको इधर से क्लिक रहने देना है और इधर से आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करना है तो अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ जाना है, आपने जिधर आपके पास कंप्यूटर के अंदर आपने इसका बैकअप एक फाइल बनानी है किसी भी नाम के साथ, तो मैं जैसे ABC के नाम से इसकी एक फाइल बना के जैसे मैंने उसको सेव कर देना है। सेव करेंगे तो ये डेटा सोर्स आ जाएगा, पेज नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा, इंक्लूडिंग करंट ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ड्राइंग दी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स दी करंट ड्राइंग, तो आपने जैसे इसको चेक कर सिलेक्ट कर लेना है और इधर से आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट दी करंट ड्राइंग को आपने सिलेक्ट करना है। इधर से आप कोई भी डेटा इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं दरमियान में से भी, और अगर आप सारा डेटा भी आप करना चाहते हैं तो आप सारा डेटा सिलेक्ट कर दें माउस की मदद से, उसके बाद आपने राइट क्लिक कर देना है। इधर से आपने इसके बाद नेक्स्ट आ जाना है और नेक्स्ट आने के बाद आप देखेंगे हमारे पास इधर mText फाइल आ रही है, इधर से आपने इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाना है। नेक्स्ट आएंगे तो ये पूरी हमारे पास इसकी डिटेल आ जाएगी सारे, और इधर आपके पास कैटेगरी फिल्टर्स नज़र आ रहे हैं, तो आपने 3D विजुअलाइजेशन को ऑफ कर देना है, ड्राइंग्स को ऑफ कर देना है, जनरल को ऑफ कर देना है, तो जियोमेट्री और टेक्स्ट को आपने इधर से ऑफ रहने देना है। तो आपने इधर आ रहे हैं तो ये कॉन्टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट के ऊपर, तो आपने इसको इधर से आने देना है। आपके पास हो सकता है वैल्यू भी आ रहा हो, तो उसमें वैल्यू या कॉन्टेक्स्ट जो भी आ रहा है तो आपने इसको इधर से उसी तरीके से ऑन रखना है। मैं इधर से कॉन्टेक्स्ट को ऑन रखूँगा, उसके बाद XYZ तीनों डेटा है, उसके बाद रोटेशन को आपने ऑफ कर देना है और शो बॉर्डर्स और विड्थ वगैरह जो भी ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे होंगे आपने उसको ख़त्म कर देना है। तो आपने इसका ख्याल रखना है, अगर कॉन्टेक्स्ट के बजाय अगर आपके पास नीचे इधर वैल्यू आ रहा है तो आपने वैल्यू को चेक इन कर लेना है। उसके बाद आपने जैसे नेक्स्ट करना है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो ये आप देखेंगे हमारे पास काउंट आ जाएगा, नेम आ जाएगा, कैटेगरीज आ रहे हैं जिसके अंदर पॉइंट्स नंबर और उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा इधर आ रहा है। उसके बाद XY और Z पूरा डेटा हमारे पास इधर आ रहा है और ये पूरा टेबल बना हुआ है। जैसे आप जो एक्स्ट्रा आपके पास ये काउंट और नेम वाली फाइल है इसको आप इधर से ख़त्म करना चाहते हैं तो दोनों ख़त्म कर दें, तो अभी आप देखेंगे कॉन्टैक्ट्स हमारे पास आ जाएगा, XY और Z ये डेटा हमारे पास इधर आ गया। इसके बाद आपने जैसे नेक्स्ट कर देना है इसको, वो नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे दो ऑप्शन पूछ रहा है कि इंसर्ट डायलॉग्स एक्सेशन टेबल इनटू ड्राइंग, कि आप ये डेटा ड्राइंग के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने जैसे इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आपने जैसे एक्सेल के ऊपर आना है XLS CSV MDB और टेक्स्ट फाइल के अंदर ये तीनों ऑप्शन के अंदर नज़र आ रहे हैं, तो आपने इधर से इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम पहले नंबर के ऊपर अपना इसको एक्सेल के अंदर करेंगे, उसके बाद आपने इधर से ये डॉट को क्लिक कर लेना है और अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ जाना है। जिधर आपके पास ये फाइल है तो आपने इधर फाइल बना देनी है, ये आपकी जो ड्राइंग का नाम होगा उसी के नाम से ये XLS की फाइल आ जाएगी। आप नीचे आते हैं तो ये आप ये देख रहे हैं MDB और CSV और टेक्स्ट टेम्पलेट टेक्स्ट फाइल तीनों किस्म के ऑप्शन इसको नज़र आ रहे हैं, तो आपने जो सी भी बनानी है फाइल आप बना दें। हम XLS की पहले फाइल बनाते हैं, एक्सेल की फाइल, जिधर से आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप इधर से उसको नेक्स्ट कर दें, उधर से आपने उसको फिनिश कर देना। तो मैं पहले नंबर के ऊपर इधर दोबारा बैक पर आ जाता हूँ इधर, उसके बाद मैंने दोबारा पहले हमने एक्सेल की फाइल इधर बना दी थी, इधर से इसी तरीके से आपने CSV की फाइल बनानी है, तो आप CSV की फाइल का ऑप्शन दे के और इधर से उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट करते हैं, बैक आ जाते हैं और इधर से थर्ड नंबर के ऊपर टेक्स्ट फाइल है, इसको भी टेक्स्ट फाइल के ऊपर भी आप इधर से सेव कर दें। ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, आपने इधर से आना है सबसे पहले और इधर से XLS के अंदर इसको सेव कर देना है, नेक्स्ट करना है और इधर से आपने फिनिश कर देना है।
आप फिनिश कर देंगे थोड़ा सा, ये आपका टाइम लगाएगा, नीचे डेटा एक्सेशन आ रहा है और इधर से आपका ये डेटा हमारा सेव हो गया। तो अभी आपने उस फोल्डर के ऊपर आ जाना है जिधर आपके पास वो ड्राइंग आप डेटा आपने सेव किया था। तो अभी आप देखेंगे PNZ फाइल के ऊपर ये हमारे पास डेटा इधर से सारा का सारा इधर एक्सेल के ऊपर जाके कन्वर्ट हो गया। जैसे आप ये देख रहे हैं सारे इसके पॉइंट नंबर्स वगैरह और सारा कुछ डिटेल इसके अंदर पूरी आ रही है, सारी जो जो सी भी डिटेल इधर इसके अंदर दी गई थी सारा कुछ इसके अंदर कंप्लीट इधर से आ रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ इसके अंदर आ रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे आप हाईलाइट करते हैं तो ऊपर इसके ये एक डॉट उसका निशान आ रहा है, कामा का निशान आ रहा है, सबके अंदर आ रहा है। तो उसको आपने कैसे ख़त्म करना है, आपने जैसे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और जैसे आपने ऊपर से डेटा के ऊपर आ जाना है, टेक्स्ट कॉलम को आपने जैसे क्लिक करना है और जैसे आपने नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे आपका साइन इधर से गैप हो गया। इसी तरह सेकंड नंबर टेबल को आपने सेलेक्ट कर लेना है और उधर से डेटा टेबल को आपने इंटर करना है कॉलम टू टेक्स्ट, उधर से आपने उसको नेक्स्ट करना है और उधर से फिनिश कर देना है। इसी तरीके से थर्ड नंबर के ऊपर भी आपने टेक्स्ट टू कॉलम को क्लिक कर देना है, जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश करना है। और इसी तरीके से जो आपके पास एलिवेशन वाला टेबल होगा उसको भी आपने जैसे नेक्स्ट करके और कर देना। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि कंप्लीट डेटा हमारा सारा एक्सेल के ऊपर आ गया। आप इसको सेव एज करके और अपना काम इसको कर सकते हैं और किसी भी तरीके से आप इसको अपने इस्तेमाल के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो ये आपने देखा कि इसके अंदर हमने डेटा अपना एक्सेल के अंदर कन्वर्ट किया है। इसी तरीके से ये हमारे पास टॉप अप प्लान है, इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं, इसको भी आपने इसी तरह करना है। इंसर्ट के ऊपर आ जाना है, डेटा एक्सेशन को आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है इधर से। और ये हमने पहले ABC बनाई थी फाइल, तो अभी आप इसको BCD के नाम इसको हम दे देते हैं, इसको हम सेव कर देंगे। इधर से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और इधर से मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने, मैं पूरी ड्राइंग को इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप मखसूस भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आपने इधर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो ये देखेंगे पूरी डिटेल हमारे पास इधर इसकी आ गई है सारी चीज़ों की। इधर से आपने इसके बाद इसी तरीके से इसमें जो मखसूस आपके पास चीज़ ख़त्म है उसको आपने ख़त्म कर देना है। डॉट को आपने ब्लॉक की शक्ल में रहने देना है, EPFL FG GG ये जो जो सी आपके पास जा रहे हैं सारे आपने ख़त्म कर देने हैं। इधर से आपने पॉइंट्स को ऑन रहने देना है, पोली लाइन को, सॉलिड्स वगैरह को ख़त्म कर देना है और इसी तरीके से टेक्स्ट को ऑन रहने देना है। ये डॉट को भी आपने ख़त्म कर देना है। इधर से पॉइंट्स और टेक्स्ट को आपने दोनों को आपने ऑन रखना है। इधर से आपने इसी तरीके से नेक्स्ट करना है। तो ये उसके बाद ये कैटेगरी आपके पास आ जाएगी। इधर से आपने इसी तरीके से जियोमेट्री और टेक्स्ट को इधर से ऑन रखना है और बाकी ऑफ कर देना। उसके बाद आपने जैसे हाइट और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ख़त्म कर देनी है, XYZ को आपने रहने देना है। रोटेट आपके पास इस तरह स्टाइल और थिकनेस और वैल्यू आपके पास इधर आ रही है, आपने वैल्यू को ऑन रखना है। तो ये आप ये देख रहे हैं जैसे आपने इसी तरीके से इसके अंदर XYZ वो जैसे आपने वैल्यू को ऑन रखना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो ये आप देखेंगे हमारे पास इधर ये सारा कुछ डेटा आ गया है XYZ और इसकी वैल्यूज़ जो जो सा इसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह बना हुआ था सारा कुछ डिटेल इसके अंदर उसकी आ गई। नीचे से आपने इसी तरह एक्स्ट्रा कॉलम्स वगैरह को आप ख़त्म कर दें, उसको आप नेक्स्ट कर दें और नेक्स्ट करने के बाद आपने आउटपुट डेटा आप इधर सेलेक्ट करके और एक्सेल के ऊपर जिधर आपके पास आपने डेटा रखा हुआ है उधर आप इसका डेटा रख दें टॉप प्लान के नाम से। ड्राइंग जिस नाम के ऊपर सा होगी ये आपका उधर सेव हो जाएगा। आपने इसको नेक्स्ट करना है और उधर से आपने फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आपने इसी तरीके से ऊपर आ जाना, तो आप ये देख रहे हैं सेकंड फाइल टॉप अप प्लान हमारे पास आ गई है। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये पूरी की पूरी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इधर से पर उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। उसको भी सेटिंग वगैरह को भी आप उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने पहले बताया आप इसको चेंज कर दें। इसी तरीके से ये आपके पास DXF फाइल है। DXF फाइल वो होती है जो कि आप ट्रोस्टेशन के जरिए सोकिया लिंक, प्रो लिंक या किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी टॉपो का डेटा आप अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं या कोई ड्राइंग होती है उसके अंदर आपके पास इस तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं, DXF फाइल होती है। तो इन पॉइंट्स को भी आप इंपोर्ट करा सकते हैं, इसकी लेयर्स वगैरह बनी हुई होती हैं, लेयर्स वगैरह के हिसाब से आप ऑन ऑफ कर लें इसके अंदर से और मैक्स सारी करना चाहते हो तो आप सारा कर लें। तो आपने इधर से इंसर्ट के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने डेटा एक्सट्रैक्शन इसी तरीके से उसको क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है और इधर आपने इसका XYZ जो भी नाम है आपने उसका इधर से दे देना है नाम। और उसके बाद आपने इधर से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है और इधर से मखसूस डेटा आप करना चाहते हैं तो आप इस डेटे को इधर सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें। और जैसे आप ये देख रहे हैं कि डॉट और पॉइंट्स दोनों आ रहे हैं हमारे पास, आपने इसको जैसे नेक्स्ट कर देना है और जैसे आपने इसी तरीके से जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन है उसको आपने ख़त्म कर देना है और जियोमेट्री को जस्ट आपने जैसे ऑन रहने देना है। तो इसके अंदर से आपने इसी तरीके से स्केल XYZ जो है ये डेटा आपने ख़त्म कर देना है, पोजिशन XYZ आपके पास आ जाएगी। आप इसको जैसे नेक्स्ट कर दें तो ये आपके सामने आप देख रहे हैं पूरा XYZ डेटा आ जाएगा। आपने जैसे एक्स्ट्रा लाइन्स को ख़त्म कर दें, नेक्स्ट कर दें और जैसे आउटपुट
फाइल के ऊपर करना चाहते हैं और इंसर्ट डेटा आपने ऑटो कैड के ऊपर करना है, तो दोनों ऑप्शन मैं इधर से सिलेक्ट कर देता हूँ। इधर से ये एक्सेल एक्सेल की फाइल सिलेक्ट हुई हुई थी, मैं इधर से आपको सी एस वी फाइल जो है उसका मैं इधर से मैं कर देता हूँ, नीचे आता हूँ और सी एस वी फाइल के ऊपर मैं इसको इसका सेव करूँगा इधर से, तो इधर से मैंने उसको सेव कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो टेबल हमने उधर बनाया उसको ड्राइंग के ऊपर इंपोर्ट करने के लिए हमने इधर दोनों ऑप्शन ऑन किए थे, इंसर्ट डेटा एक्सेशन इनटू ड्राइंग, ये ड्राइंग के अंदर भी होएगा और उधर से हमारी फाइल के ऊपर भी, तो दोनों डेटा हमारे पास इधर आ जाएंगे। इधर से आपने टेबल्स के जरिए टाइटल्स वगैरह जो देना चाहते हैं आप इधर से दे दें, हेडर वगैरह, उसके बाद आपने इधर से नेक्स्ट करना है और इधर से आपने फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आपने इसको यस करना है, ये आप बता रहे हैं कि सेल बहुत ज़्यादा लंबे आ रहे हैं, तो आपने इधर से उसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे एक्स वाई जेड पूरा डेटा इधर आपके सामने ऑटो कैड के ऊपर भी। जैसे आपने फोल्डर के ऊपर आ जाना है तो आप ये देख रहे हैं थर्ड नंबर के ऊपर टोटेशन डी एक्स सी एस वी की फाइल इधर हमारे पास जनरेट हो गई है। तो जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट डेटा बगैर डॉट्स वगैरह के सारा एपोजिशन एक्स वाई जेड के साथ पूरा आ जाएगा। तो ये आपने इसी तरीके से ये डेटा एक्स अपने ऑटो कैड के ऊपर किसी भी तरीके से आप इसको फाइल्स को बनाना चाहते हैं तो आप डेटा एक्सेशन वाला ऑप्शन यूज़ करके और इसको कंप्लीट बना सकते हैं। किसी भी किस्म की आपके पास फाइल मौजूद है उसका डेटा आपने कन्वर्ट करना है तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत यूज़फुल टूल था ऑटो कैड के ऊपर। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।